जय श्री राम साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल कुमार मौर्य एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल राहुल फिटनेस हेल्थ एंड ज्ञान में। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों, मैं अपने चैनल के नाम के अनुसार आप लोग के लिए अलग अलग वीडियो लाता रहता हूँ, कभी फिटनेस से संबंधित, कभी हेल्थ से संबंधित, कभी ज्ञान से संबंधित। दोस्तों, जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा वो जानते होंगे कि मैं अपने इस चैनल पे ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के बारे में आप सब लोग को बता रहा हूँ, और मैंने ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के सारे पॉइंट को हिंदी में जो है आप लोग को समझा दिया है। सारी चीज़ें जो है मैंने हिंदी में बताया, सारे यूनिट को जो है बता दिया हूँ, डिलीवरी यूनिट से लेकर के फीडर यूनिट तक। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो बनाया था, मैंने प्रिंटिंग यूनिट में जो अपना टाइपिंग यूनिट होता है और इंकिंग यूनिट होता है, दोनों को जो है मैंने एक साथ समझा दिया था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम जाए समझने में, या फिर जो नए हैं उनको जो है प्रॉब्लम जाएगी समझने में। तो इसलिए मैं दोस्तों आपके लिए इंकिंग यूनिट और डैम्पिंग यूनिट को जो है अलग अलग से जो है समझाने के लिए एक नया नया वीडियो बना रहा हूँ, अलग वीडियो बना रहा हूँ। डैम्पिंग यूनिट को जो है मैंने समझा दिया है। आज मैं आप लोग को जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का इंकिंग यूनिट होता है, इंक यूनिट जो होता है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि दोस्तों चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसको समझ लीजिए कि ये हमारा प्लेट है और इस पे जो है इमेज एरिया ये बनी हुई है। ये प्लेट जो है समझ लीजिए इस डैम्प उससे अपने प्लेट सिलेंडर पे क्लैंप है, इस पे इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया बनी हुई है, इसको आप इमेज एरिया समझ लीजिए। और ये जो है अपना जो छूटा हुआ भाग है इसको नॉन इमेज एरिया समझ लीजिए। ये इमेज एरिया आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये उठा हुआ नहीं होता है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा दर्शा रखा है, तो जिससे आपको समझ में आए। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों, जैसे देखिए ये फॉर्म रोल है अपना जो प्लेट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो अपने प्लेट से जुड़े हुए थे रोल, जुड़े हुए रोल होते हैं उसको हम लोग फॉर्म रोल बोलते हैं। तो ये चार जो है हो गए, 1, 2, 3 और ये चार, चार जो है फॉर्म रोल हो गए। ये क्या होते हैं, अपने प्लेट से जुड़े हुए होते हैं। प्लेट से जुड़ करके ये क्या करते हैं, जो अपना इमेज एरिया होता है इसको इंक देते हैं। अब आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो है कि नॉन इमेज एरिया में इंक क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों ये अपना जो प्लेट होता है इंक रिसेप्टिव, और जो इमेज एरिया प्लेट का इमेज एरिया है जो इंक रिसेप्टिव होता है, ये क्या करता है केवल इंक को लेता है, और जो अपना नॉन इमेज एरिया है ये वाटर रिसेप्टिव होता है, तो ये जो है केवल मतलब डैम्पिंग जो सोल्यूशन होती है उसको लेता है। तो इस कारण से क्या होता है कि इमेज एरिया में पानी नहीं लगता, नहीं आता है, नहीं रहता है, तो ये इंक को जो है ऑब्जर्व कर लेता है, और जो नॉन इमेज एरिया है वहाँ पानी रहता है तो वो जो है इंक को नहीं लेता, वहाँ केवल पानी रहता है। इस कारण से जो है प्रिंटिंग होती है, यही क्रिया चलती रहती है रनिंग में, प्रिंटिंग रनिंग में जो है यही क्रिया चलती रहती है, जिसके कारण जो है स्मूथ प्रिंटिंग होती है। अब देख दोस्तों, मैं आपको जो है बताता हूँ इंक यूनिट के सभी रोलर्स के बारे में और उनका क्या फंक्शन है। जैसे दोस्तों आप जो चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा, ये मैंने चित्र बना रखा है, ये डक्ट है। डक्ट जैसे जो मान लीजिए कोई बर्तन है जिसमें इंक होता है अपना, ये इंक है पूरा, इंक मैंने लिख रखा है, ये देखिए डक्ट लिख रखा है, इंक डक्ट लिख रखा है, ये जो इंक है इसमें इंक भरा हुआ है, जो ऑफसेट मशीन का जो इंक होता है इस डक्ट में रहता है। और ये इसमें देखिए एक रोल लगा रखा है मैंने, इसको डक्ट रोल बोलते हैं। दूसरा जो है देखिए ये मीटरिंग रोल लिखा है मैंने, ड्रम रोल लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट लिखा है, ऑक्सिलरी लिखा है, फिर डिस्ट्रीब्यूट लिखा है, फिर फॉर्म रोल रखा है, लिख रखा है। अब सबको मैं आपको जो है एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। डक्ट रोल जो है दोस्तों, क्या डक्ट रोल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये डक्ट में जो है रहता है, डक्ट में डूबा हुआ रहता है आधा, या फिर तो आधे से कम थोड़ा सा डूबा रहता है। इसका काम क्या होता है कि ये यहीं पे रोटेट करेगा, घूमेगा, तो इस पे इंक की जो एक पतली सी लेयर बनती है जो कि कम ज़्यादा की जा सकती है ऑपरेटर के माध्यम से, या फिर जो मशीन के में जो सिस्टम होता है उसके माध्यम से कम ज़्यादा किया जाता है लेयर को। तो इस पे एक पतली सी लेयर बनती है, लेयर बनती है, तो ये क्या करता है कि जो अपना मीटरिंग रोल है, डैम्पिंग रोल, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट रोल है, वो यहाँ से इंक को लेता है। इसको जो है आप डांसिंग रोल भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि यहाँ से जो है डक्ट से इंक लेना, जो सरफेस बनी हुई है इंक की, पतली सी परत बनी हुई है, वहां से इंक लेना, ले करके जो है उसको आगे के रोल को जो है ट्रांसफर करना होता है, आगे के रोल को जो है देता है सही तरीके से। इस कारण से जो है इसको जो है अपना डिस्ट्रीब्यूट रोल बोला गया है। और ड्रम डांसिंग रोल इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि क्योंकि डांसिंग रोल तो नहीं बोल सकते इसको, ये डांसिंग रोल नहीं बोल सकते इसको, अपने सर इस जगह से ये हिलता है, यहाँ से जो है इसका जो मतलब इस तरह से फंक्शन होता है कि अभी
आवश्यकता के अनुसार जो है कभी टाइमिंग देता है यहाँ पे डट रोल को, कभी जो है आगे दूसरे ड्रम रोल को। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि हमें ज़्यादा इंक चाहिए हो रहा, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लेट तो बढ़ा दिया, लेकिन इसका भी कुछ स्पीड जो है कम ज़्यादा हमें को करना पड़ता है, स्पीड ही कम ज़्यादा करना पड़ता है, और टच की जो टाइमिंग होती है वो कम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर इंक ज़्यादा चाहिए तो हमको जो है ज़्यादा करना पड़ेगा, इंक कम चाहिए तो जो है उसका टच कम करना पड़ेगा, और उसकी जो स्पीड है वो भी मतलब आवश्यकता अनुसार जो है सेट करनी पड़ेगी। तो इसका काम क्या होगा, यहाँ से जो है इंक को लेकर के जो है ट्रांसफ़र करना। ये ड्रम रोल है, ड्रम रोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो है साइज़ जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, उसमें जो है बहुत सारे रोल जुड़े होते हैं, 2-3 रोल जुड़े होते हैं। मैंने केवल 2 ही जोड़ रखा है, क्योंकि क्या होता है चित्र में बहुत सारा जो है रोल रोलर्स हो जाएंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको आप समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूट रोल, ड्रम रोल हो गया। ड्रम रोल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट रोल जो है फिर से जोड़ दिया, क्योंकि क्या होता है कि अपना जो इंक है ड्रम रोल से जो है ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पे, यहाँ से हमने ट्रांसफ़र कर दिया इस पे से जो हमने ट्रांसफ़र किया जो है उसको जो है रोल डिस्ट्रीब्यूट रोल देते। इनका काम क्या है, ड्रम रोल से ले करके जो आगे वाले रोल को देना है। अब इस रोल को देखिए, मैंने इन दोनों रोल को जो है क्या समझा रखा है, ऑसिलेट रोल। ऑसिलेट रोल का काम क्या होता है कि जैसे दोस्तों अपनी जगह पर जो है ये क्या करते हैं ना, आगे पीछे होते हैं, ऐसे 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 होते हुए जो घूमते रहते हैं, मतलब रोटेट होता रहता है, चलता रहता है तेजी से, लेकिन अपनी जगह पे जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं एक तरह से, मतलब ऐसे गए आगे गए ऐसे ऐसे, इस तरह से जो इनका मूवमेंट होता है। इस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है ना, अपने जो रोलर्स हैं उस पे पतली सरफेस बनाने के लिए, इंक की जो पतली सरफेस बनाने के लिए जो बहुत आवश्यक होती है। इंक को जो है सही तरीके से, कभी क्या होता है कि इंक जो छोड़ा गया वो सही तरीके से हुआ नहीं, आगे पीछे हो गया, या फिर कहीं मोटी परत बनी है, कहीं पतली परत बनी है, तो इसको क्या करते हैं ये लोग सही तरीके से जो है उसको एक पतली सी परत बना देते हैं रोल अगले रोल पे, और इस पे भी बनता है जो आगे मतलब ले लिया जाता है डिस्ट्रीब्यूट रोल के माध्यम से ले लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 फीसद डिस्ट्रीब्यूट रोल बना रखा है। क्वांटिटी भी मत जाइए दोस्तों, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि क्या होता है एक फिक्स होता है, किसी मशीन में 23 रोल होते हैं, किसी में जो है 19 होते हैं, 21 होते हैं, 17 होते हैं, ऐसे करके मशीन पे जो है डिपेंड करता है। और मैंने आपको जरा सा समझाने के लिए केवल अब बता रखा है। ये अब मान लीजिए इसको, ये भी डिस्ट्रीब्यूट रोल है, यहाँ से ले करके जो है ऑसिलेट रोल से इंक जो है क्या होता है इस पर ट्रांसफर होती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो है फॉर्म रोल को, सारे जो है फॉर्म रोल हैं 1, 2, 3, 4 फॉर्म रोल हो गए, इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। फॉर्म रोल क्या करेंगे जो है, ये इंक देंगे जो है इमेज एरिया पे, जो है इंक जो है इनके माध्यम से लगता है। और फॉर्म रोल का जो है दोस्तों देखिए, मैंने चित्र में जो सेम बना रखा है, लेकिन डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो है डायो जो होता है वो सेम नहीं होता, सबका जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से सही तरीके से जो है इंक की जो लेयर है वो यहाँ पे इमेज एरिया में पहुँचने लगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ, जैसे आप किसी प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे या फिर जो है ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है मालूम पड़ेगा कि किसी कभी को जो जॉब होता है सॉलिड सॉलिड इंक चलता है, किसी में कम चलता है, वो भी जो है अपना डक्ट रोल और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग रोल है, डिस्ट्रीब्यूट रोल है, इसके माध्यम से जो है सेट किया जाता है इंक को जो है कितना हमको चाहिए है, कितना लेना है, और प्लेट जो आएगी अपनी वो उस पर इमेज जो है उसी हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए सॉलिड चलना है तो इमेज जो एरिया हैवी होगा और नॉन इमेज एरिया कम होगा उसमें, और इंक जो है फॉर्म रोल के द्वारा जो है उतनी ही मात्रा में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको दिया जाएगा, लगाया जाएगा जो है इमेज एरिया पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, इनका जो फंक्शन होता है आगे से हम लोग जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जो लेटेस्ट मशीनें हैं उसके लिए जो है क्या है, हमको बार बार जो है आना नहीं पड़ेगा पीछे इंक सेंट करने के लिए। पुरानी मशीनों में क्या होता था कि हम लोग जो है ऑपरेटर जो है जा करके वहाँ पे सेट करते थे इंक को, कितना उनको चाहिए किस जगह पे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी लेटेस्ट मशीनें हैं तो सामने से ही जो है मॉनिटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ही जो है इसको हम जो है सेट कर लेते हैं, कितना हमको चाहिए है, कम ज़्यादा कहाँ पर कौन सी कितनी लेयर चाहिए है, कहाँ हमारा हैवी इंक है, ये सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, उनको फंक्शन होता है बटन के माध्यम से ही कर लेते हैं। तो मेन अपना क्या है दोस्तों, आप लोग को समझने के लिए जैसे मैंने बता रखा है यही सारा अपना इंकिंग यूनिट हो गया, सेम सिंपल सा फंक्शन है, कुछ इसमें जो है अलग नहीं है। अगर यही डायग्राम आप जो है एग्जाम में बनाते हो या फिर समझने की कोशिश करते हो, बहुत मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है, ऐसे ही मैं अपने एग्जाम वगैरह में जो है बनाता था, समझाने की कोशिश करता था जो है कि अपना सिंपल है, डक्ट यूनिट हो गया, इंक हो गया, डक्ट रोल हो गया,
डिस्ट्रीब्यूट रोल हो गया, ड्रम रोल हो गया, इसके बाद जो है अपना ये डिस्ट्रीब्यूट रोल हो गया, ड्रम रोल हो गया अपना ये, फिर क्या हो ऑक्सीलेट रोल हो गया, फिर से डिस्ट्रीब्यूट रोल आ गया, फिर ये फॉर्म रोल हो गया। चार फॉर्म रोल होते हैं, सबका डायमीटर अलग अलग होता है। इमेज एरिया में इंक देते हैं, नॉन इमेज एरिया में पानी होता है, और इमेज एरिया पर इंक लगने के बाद ये क्या होता है, ब्लैंकेट पे जो है इमेज ट्रांसफर होता है, फिर ब्लैंकेट से इंप्रेशन और ब्लैंकेट सिलेंडर के बीच जब शीट पास होता है तो वो क्या करते हैं, प्रेशर के माध्यम से जो है इंक इमेज एरिया जो होती है वो बोर्ड पर ट्रांसफर हो जाती है। यही फंक्शन होता है, सिंपल है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चाहे कमेंट के माध्यम से जो है बताइए कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जो आवश्यकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या होगा कि मैं आप लोग के लिए अगर नया वीडियो लेकर के आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों, दोस्तों में शेयर करिए हमारे वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। और नेक्स्ट टॉपिक में जो है दोस्तों, मैं आप लोग को जो है प्लेट का जो इमेज एरिया नॉन इमेज एरिया मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसको समझाने की कोशिश करूँगा, जो कैसे जो है नो इमेज एरिया बनता है, कैसे जो है नॉन इमेज एरिया बनता है अपने प्लेट का, और इसका क्या फंक्शन होता है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हिंद।